जय जगन्नाथ। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, नवभारत के निर्माताओं में से एक, भारत माता के सपूत उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं उनके प्रति हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। यहाँ प्रस्तुत की गई डॉक्टर महताब के जीवन से जुड़ी चित्र प्रदर्शनी, पुस्तक और शॉर्ट फिल्म शिक्षा और प्रेरणा के स्रोत है। यहाँ कविवर राधानाथ राय के प्रेरक गीत सर्वेषां न जननी भारत धरणी का जो गायन किया गया है, मधुर संगीत, इसके लिए मैं बहुत प्रभावित हूँ। हम जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, ओपनिंग सॉन्ग के हिसाब से इसको हम गाते थे, इसीलिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है। भारतीय साहित्य निर्माता के रूप में अनेक योगदान को रेखांकित करने वाली पुस्तकों के विमोचन से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इसके लिए मैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष मैं महताब की 125वीं जन्म जयंती साल भर मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मैं ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी और उनके साथियों को सराहना करती हूँ। आज यहाँ डॉक्टर महताब की स्मृति से डाक टिकट और कॉइन का विमोचन करके मुझे प्रसन्नता हुई है। मैं संबद्ध मंत्रालय तथा विभाग की प्रशंसा करती हूँ। इस अवसर पर मुझे कुछ पुराने बातें याद आ रही है। डॉक्टर हरेकृष्ण महताब के विराट व्यक्तित्व की छवि मुझे दिखाई दे रही है। उस छवियों के विचार प्रतिभा के अधिकारी, एक महान स्वाधीनता संग्रामी, समाजसेवी, देश मातृका के ये सुपुत के कुछ कियदांश, क्योंकि उनके प्रतिभा को वर्णना करने से मुझे लगता है दिन भर लग जाएगा, इसलिए कुछ कियदांश आपके सामने मैं रखना चाहूँगी। मैं जब कॉलेज में थी और उसके बाद के दिनों में भी मुझे डॉक्टर हरेकृष्ण महताब को देखने और सुनने का अवसर मिला था। उनके वक्तव्य और उनकी विद्वता की कोई तुलना नहीं थी। वे सहज एवं सरल भाषा में भाषण देते थे। कोई महत्वपूर्ण बातों को ये इस प्रकार से व्यक्त करते थे जिसे आम आदमी आसानी से समझ पाता था। हम उनके उल्लेखों को प्रायः पढ़ते थे, अपने समाचार पत्र प्रजातंत्र में वे गांव मजलिस नाम से लेख लिखते थे। ओडिशा के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी उनके उल्लेखों की प्रतिभा प्रशंसा करते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषयों पर महताब के लेखन से उनकी सोच की मौलिकता का पता चलता था। बाद में उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा उनके गांव मजलिस के लिए सम्मानित किया गया। उस समय डॉक्टर महताब किसी भी पद पर नहीं थे, परंतु पूरी ओडिशा के मुखिया के रूप में उनका आदर होता था। लगभग हर विषय पर उनकी राय मांगी जाती थी। डॉक्टर हरेकृष्ण महताब अपने छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता संग्राम के प्रति आकर्षित हुई थी। वे रेवेन्सा कॉलेज में पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। स्वतंत्र संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने कई बार ओडिशा का दौरा किया। महताब ने गांधी जी के प्राय समस्त कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया करते थे। महताब ने ओडिशा के गांव-गांव में गांधी जी का संदेश फैलाया, इसीलिए ओडिशा में एक लोकप्रिय कहावत है, हरि महता आणिला गांधी छता, अर्थात हरेकृष्ण महताब ने गांधी जी के छत्र को ओडिशा के गांव-गांव तो पहुँचाया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महताब ने आंदोलनों में भाग लिया तथा वे
कई बार जेल भी गए और हर बार जब वो जेल से लौटते थे दोगुना उत्साह के साथ स्वाधीनता संग्राम में शामिल होते थे। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी की यात्रा की। उस समय नमक सत्याग्रह देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किया गया था। हरेकृष्ण महताब ओडिशा में नमक सत्याग्रह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इतिहासकारों के अनुसार नमक सत्याग्रह में ओडिशा के लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए महताब को केंद्रकार हजारीबाग कैद करके हजारीबाग जेल भेज दिया गया। 1942 में महात्मा गांधी को उनके द्वारा दिए गए भारत छोड़ो नारे पर कैद कर लिया गया था। महताब को भी उस समय कारावास दिया गया था। अहमदनगर कोर्ट जेल में उन्होंने अपना कारावास अन्य वरिष्ठ स्वाधीनता संग्रामियों के साथ बिताए थे। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।